अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन किचन, जहाँ पे कुकिंग होगी बड़ी इजी और मज़ेदार। दोस्तों आज की मज़ेदार रेसिपी है 7 कप स्वीट रेसिपी, जो कि बड़ी मज़ेदार रहने वाली है। आप अगर बिगिनर है तो फर्स्ट टाइम में ही इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा इंग्रेडिएंट्स, 1 कप ग्राम फ्लोर, 2 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे और 1 कप दूध और 1 कप पिसा हुआ नारियल का पाउडर और 1 कप घी और 1 कप में ऐड किए 10 से 12 काजू और बादाम। तो इसीलिए इस स्वीट का नाम 7 कप रखा गया है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स को जो है हम 7 कप्स में मेशर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरली इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 कप चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस रेसिपी के लिए तो 2 कप चीनी काफ़ी है, तो इसीलिए हम 2 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे बेसन का आटा, 1 कप ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बेसन को जो है रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा बेसन का जो है कलर चेंज होने लगेगा, अच्छी सी स्मेल भी आने लगेगी। तो इस पॉइंट पर ऐड करेंगे सूखा हुआ नारियल और रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश कोकोनट को ऐड करने पर और भी 2 मिनट तक एक्स्ट्रा आप उसे कुक करें। उसके बाद ऐड करेंगे दूध जो कि हमने बॉइल्ड लिया है, आप चाहे तो रॉ भी ले सकते हैं, 1 कप लिया है। उसके बाद ऐड करेंगे मेल्टेड घी, 1 कप लेंगे। आप घी को जो है मेल्ट करके ही लें। उसके बाद ऐड करेंगे चीनी, तकरीबन 2 कप चीनी को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर आप चाहे तो येलो या ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, वरना इस स्वीट को जो है नेचुरल रखें, नेचुरल भी ये स्वीट बहुत ही अच्छी लगती है। इस स्वीट को कुक करते समय आप चम्मच की मदद से कंटिन्यू से स्टेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ऐड करेंगे काजू और बादाम, 10 लिए हैं दोनों, और इनको जो है मिक्सर में पीस लिया है यानी कि पाउडर फॉर्म में। तो इसमें ऐड कर लेंगे यानी कि स्वीट में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि स्वीट का टेस्ट जो है बड़ा ही मज़ेदार हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं इस स्वीट को जो है थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही रखें और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक करें। अब तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, यानी कि जल्द ही राखी आने वाली है, तो आप उस वक्त ज़रूर से इस स्वीट को घर में ट्राई करें, बड़ी ही मज़ेदार बनती है और पहली बार में ही अच्छे से बन जाती है। तो इस पॉइंट पर ऐड करेंगे इलायची पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इलायची पाउडर को जो है आप स्किप मत करें, इलायची पाउडर फ्लेवर या टेस्ट को जो है एनहांस करने में बड़ा ही काम आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं स्वीट का मिक्सचर जो है पैन से सेपरेट होने लगा है, यानी कि इसे कुक होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो आप इसे चेक कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि आपके उंगली पर थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से इस तरह से राउंड बनाएं। अगर राउंड बन गया तो आपकी स्वीट जो है परफेक्ट से बन गई, यानी कि कंसिस्टेंसी जो है बड़ी परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टिन लेंगे, आप चाहे तो घर में कोई भी फ्लैट प्लेट ले लें और उसके बाद इस तरह से घी या ऑयल से ग्रीस कर लें। उसके बाद प्लेस करें पार्चमेंट या बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो एल्यूमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो जनरल आप डायरेक्ट से प्लेट में पॉर कर दें। बिना पार्चमेंट या बिना बटर पेपर के भी ये स्वीट जो है बड़ी अच्छी बनती है, यानी कि इजी से निकल आती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर पर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है हमने, बड़ी मज़ेदार लगती है ये स्वीट। तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 30 मिनट तक रख लेंगे। आप अगर जल्दी में है थोड़ा तो रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कप स्वीट जो है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से स्वीट निकल गए हैं। तो चलिए नाइफ की मदद से इसे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे स्क्वायर शेप में कट करने वाले हैं, आप चाहे तो कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार बनी है रेसिपी। आपको अगर ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे ज़रूर से क्लिक करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से क्लिक करें ताकि ऐसी मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस पर बादाम और काजू को जो है थोड़ा सा कट करके आप गार्निश कर सकते हैं। जनरली मैसूर पाक बनाने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती होगी, लेकिन इस स्वीट को बनाने में बहुत ही आसानी होगी, यानी कि नो फेल रेसिपी है ये। आप फर्स्ट टाइम में इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट करें। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।